हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अच्छे नोट्स में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आप इस पर कॉलेज और स्कूल में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और पेपर में इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो से लिख भी सकते हैं। एड्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। वट आर HIV एंड एड्स? ये एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस है। ह्यूमन यानी कि ओनली ये ह्यूमन में पाया जाता है। इम्यूनो डिफिशेंसी यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है और ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, यानी ये अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है। क्योंकि इसके अंदर RNA होता है, खुद के एंजाइम होता है, तो इसके पास पावर है कि खुद को रेप्लिकेट कर सके। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड यानी कि ये जन्म से ही नहीं होता है, ये एक ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि 1 पर्सन टू पर्सन फैलती है। इम्यून यानी कि सबसे पहले ये हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, जो कि जर्म्स बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने के काम आती हैं और वहीं पर जाके ये सीधे अटैक कर देता है। डिफिशेंसी अटैक करने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और हमारे जम से बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और हम बीमार होने लग जाते हैं। सिंड्रोम्स यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जहाँ पर हमारे बहुत सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाउ आर एड्स कॉज्ड? एड्स कैसे होता है? देखिए, जब हम HIV से इन्फेक्टेड ब्लड के संपर्क में आते हैं तब एड्स हो सकता है। सीमेन और वेजाइनल फ्लूड्स के संपर्क में आते हैं तब एड्स हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के संपर्क में आते हैं तब भी एड्स हो सकता है, यानी कि अगर हम HIV से संक्रमित व्यक्ति से सेक्स करते हैं तो उससे भी एड्स हो सकता है। जो ड्रग्स की नीडल होती है या फिर जो मेडिकल में जो नीडल यूज की जाती है, अगर वो नीडल किसी HIV के पेशेंट्स को लगाकर हम अपने ऊपर यूज करते हैं तो उससे भी एड्स हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सिम्टम्स है इसमें आपका जो वेट है वो जल्दी जल्दी लूज होने लग जाता है, फीवर होता है, रात भर पसीने आने की प्रॉब्लम हो सकती है, टायर्डनेस हो सकता है, आपके हाथ पैरों में स्वेलिंग हो सकती है और बहुत जगह स्वेलिंग हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, सोर्स यानी कि घाव हो सकते हैं माउथ एनस और जेनिटल पार्ट्स पर, और निमोनिया के भी सिग्नल आ सकती है। अभी इंडिया में एड्स का क्या स्टेटस है? देखिए, सबसे पहले इंडिया में एड्स जो दिखा गया था वो 1986 में दिखा था, डॉक्टर सुनीता सोलोमोन और डॉक्टर सेल्लापन निर्मला ने, जो कि 6 फीमेल सेक्स वर्कर में देखा था तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। अभी प्रेजेंट में 10,000 लोगों में से 22 लोगों को HIV होता है। जब 2001 और 3 तो उसमें देखा था ये संख्या 38 के अराउंड थी और अभी 51% इसमें कमी आई है। अबाउट 21.40 लाख पीपल को या अभी भी इंफेक्टेड है HIV और एड्स से इंडिया में। ये इन्फेक्शन अभी भले ही कम हुआ है पर ये इन्फेक्शन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अभी भी पर ईयर 87,000 अप्रॉक्स केसेस इंडिया में देखे जाते हैं HIV इन्फेक्शन की। अच्छा, तो एड्स को मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? कैसे एड्स को मैनेज किया जा सकता है? एड्स को ART द्वारा मैनेज किया जा सकता है। ART एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। इसमें HIV रेप्लिकेशन को डिक्रीज किया जाता है और इम्यून पावर को बढ़ाया जाता है। एड्स को पैलिएटिव केयर द्वारा भी रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें पेन होने पर मेडिसिन लेकर पेन को रिड्यूस किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में एक्सरसाइज, योगा, मेडिसिन, नाट्रोथेरेपी ETC आते हैं और सही काउंसलिंग और गाइडेंस के साथ भी एड्स को मैनेज किया जा सकता है। कुछ और बातें जो आपको एड्स के बारे में जाननी जरूरी है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ELISA एक टेस्ट होता है जो कि HIV को डिटेक्ट करने के काम आता है। अगर किसी ह्यूमन में एड्स हो जाता है तो ELISA द्वारा इसको
टेस्ट करके बताया जा सकता है। अभी हाल ही की न्यूज है जहां साइंस मैगजीन नेचर ने 26 अगस्त को यह बताया था कि 2 HIV पेशेंट्स ने अपने आप को खुद क्योर कर लिया है उनकी सेल्स ने, यानी कि उनका जो HIV इन्फेक्शन है वो खुद ब खुद ठीक हो चुका है और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। एक पेशेंट्स में जिसमें HIV अब बिल्कुल भी नहीं है और दूसरा पेशेंट जिसमें HIV सिर्फ एक सेल्स में देखा गया है। देखिए एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए, जो HIV है उसके द्वारा बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जब एड्स हो, जब HIV हो तो एड्स ही होगा, पर जब एड्स होगा तो HIV होगा ये ज़रूरी है, क्योंकि HIV से बहुत सारी डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एड्स होता है और भी बहुत सारी डिजीज है। पर एड्स जब होता है तो ज़रूरी है कि वो HIV के ही थ्रू हो, क्योंकि एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस ह्यूमो इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस ही है। ओके, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो हमारा एड्स है, एड्स जो होता है वो अगर ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो सबसे पहले कैसे किसमें कैसे आएगी, क्योंकि ह्यूमन में खुद तो पैदा हो नहीं सकती क्योंकि हमें पता है एक्वायर्ड डिजीज़ है, तो कैसे आएगी। देखा सबसे पहले ये देखा गया था चिंपैंजीज में, ठीक है, चिंपैंजीज में सबसे पहले देखा गया था, वहाँ HIV को SIV कहा जाता था और उसको ह्यूमन को फैली, देन ये पूरे ह्यूमन की प्रजाति को फैल चुकी है। अब ह्यूमन में इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस कहते हैं, लेकिन चिंपैंजीज में इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस कहा जाता है। चलिए आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।